हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, एक निपा वायरस आउटब्रेक, ये क्या है, व्हाट आर मोनो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्या है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्या है, इसके ऊपर हमारे पास एक आर्टिकल आया है जो पूरा समझा रहा है निपा वायरस को। तो चलिए देखते हैं क्या है द स्टोरी सो फार। लास्ट वीक इंडिया रीच आउट टू ऑस्ट्रेलिया टू प्रोक्योर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डोजेस टू कॉम्बैट द निपा वायरस आउटब्रेक इन केरला। तो ये केरला में निपा वायरस का आउटब्रेक हो चुका है। इंडिया इज एक्सपेक्टिंग 20 मोर डोजेस सून। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हेड डॉक्टर राजीव भल सेड। तो इन्होंने बोला है कि ये कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने रीच आउट किया है कि हमें क्या दो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दो, डोजेस दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के, क्योंकि निपा वायरस आउटब्रेक हो चुका है केरला में। देखते हैं क्या है। द वायरस हैज किल्ड 2 पीपल सो फार एंड हैज इन्फेक्टेड एटलीस्ट 5 अदर इन कोझीकोड डिस्ट्रिक्ट। द करेंट निपा आउटब्रेक इन केरला केरलास फोर्थ सिंस 2018। 2018 से ये चौथा आउटब्रेक है। इंडिया करेंटली हैज ए एंटीबॉडी डोजेस अवेलेबल फॉर 10% ओनली। बस 10 लोगों के लिए डोजेस है। एड्रेसिंग द प्रेस डॉक्टर भल सेड दैट नो वन इन द कंट्री हैज बीन एडमिनिस्टर्ड दैट डोजेस सो फार सिंस इट नीड्स टू बी गिवन एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। तो अभी 4 लोगों का ही है। देखते हैं ये है क्या। वॉट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द लेबोरेटरी मेड प्रोटीन डेट मिमिक द बिहेवियर ऑफ द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाई इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस एंड फॉरन सब्सटेंस। तो लैब में बना हुआ एंटीबॉडी है, प्रोटीन है, जो आपके इम्यून सिस्टम बनाता है बिल्कुल उसकी तरह ही बिहेव करता है। किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को डिजीज से और फॉरेन सब्सटेंस से। एन एंटीबॉडी अटैच्ड इज इटसेल्फ टू एन एंटीजन अ फॉरेन सब्सटेंस यूजुअली अ डिजीज कॉजिंग मॉलिक्यूल एंड हेल्प्स द इम्यून सिस्टम एलिमिनेट इट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू टारगेट सर्टेन एंटीजन। तो ये एक स्पेसिफिक टारगेट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इन लोगों ने बताया है। ये द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल बॉडीज। नोबेल प्राइज मिला है किसको, अब देखिए सीजर मेलिस्टीन और ये इन लोगों को मिला है 1984 में। वॉट इज M104.4, देखिए ये क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने पढ़ लिया। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश इन द लेसेंट जर्नल ऑफ इंफेक्शियस डिजीज M102.4 इज अ पोटेंट फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डैट न्यूट्रलाइजेस हेंड्रा एंड निपा वायरस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द एंटीबॉडी हैज पास्ड 1 क्लिनिकल ट्रायल विच मीन दैट द रिसर्चर्स टेस्टेड इट विथ रिलेटिव स्मॉल नंबर ऑफ पीपल टू एस्टिमेट द राइट डोज ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो डजेंट कॉज साइड इफेक्ट। तो ठीक है, ये एक फुल पोटेंट ह्यूमन ये एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, फुल पोटेंट ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपका ये M102.4 है। एज ऑफ नाउ द ड्रग इज यूज्ड ऑन अ कंपैशनेट यूज बेसिस अ ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट अलाउज द यूज ऑफ अनऑथराइज्ड मेडिसिन अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन अमंग पीपल वेयर नो अदर अल्टरनेटिव और सेटिस्फैक्ट्री ऑथराइज्ड ट्रीटमेंट इज नोन टू बी पॉसिबल एंड वेयर पेशेंट कैन नॉट एंटर क्लिनिकल ट्रायल फॉर वेरियस रीजन। तो ये अभी कंपैशनेट यूज पे बेसिस पे यूज हो रहा है, जहाँ पे मतलब लास्ट ऑप्शन बचा हो, कोई और कंडीशन ना बच रही हो करने के लिए, तो बोल दिया जाता है यही कर ले। अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ, जब बच ही नहीं रहे हैं तो क्यों ना इनके ऊपर ये ट्राई कर ले, क्या पता वो बच ही जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ की बात हो रही है। द M0.4 इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय डॉक्टर क्रिस्टोफर बॉर्डर एंड हिज टीम एट द यूनिफॉर्म सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंस। ठीक है, ये हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है। हाउ डू मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वर्क, अब ये काम कैसे करते हैं, हमने देख लिया मोनोक्लोनल बॉडी क्या है, ये क्या है, अभी काम कैसे करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक इंजीनियर्ड एंड जनरेटेड टू टारगेट अ डिजीज। तो ये स्पेसिफिक इंजीनियर्ड होते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट करने के लिए। दे आर मेंट टू अटैच देमसेल्फ टू द स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग एंटीजन एंड एंटीजन इन मोस्ट लाइकली टू बी अ प्रोटीन। तो प्रोटीन को ही अटैच करते हैं खुद को। ठीक है। फॉर इंस्टेंस मोस्ट सक्सेसफुल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्यूरिंग द पेंडेमिक वर इंजीनियर्ड
टू बाइंड द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द सार कोवी टू वायरस द बाइंडिंग प्रिवेंटेड द प्रोटीन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स रेगुलर फंक्शनिंग इंक्लूडिंग इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर सेल। तो वहाँ पे आप देख लीजिए कोरोना वायरस में सार कोवी टू वायरस के लिए ये उसके प्रोटीन के साथ स्पाइक प्रोटीन के साथ ये बाइंड किया गया था उस टाइम। डॉक्टर कोलर एंड डॉक्टर मिल्स्टन हु एस्टैब्लिश्ड ए जनरेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर यूज इन ह्यूमंस इन 1975 उन लोग को देखो 84 में यहाँ पे अवार्ड भी मिला है उन लोगों को नोबल प्राइज अवार्ड। यूज दिस प्रिंसिपल टू डिस्क्राइब दी हाइब्रिडोमा फ्यूजन सेल मेड अप ऑफ बी सेल वाइट ब्लड सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड माइलियोमा सेल एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल। दिस हाइब्रिड सेल अलाउ द रिसर्चर्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल एंटीबॉडी क्लोन विच केम टू बी नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। द इनिशियल टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोड्यूसिंग हाइब्रिडोमा इन माइस देखिए हाइब्रिडोमा इन माइस वॉज अनसस्टेनेबल। टूडे दिस एंटीबॉडीज आर मेड यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हेयर द जीन दैट कोड्स फॉर मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रीजन इज आइसोलेटेड फ्रॉम बी सेल और सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ठीक है दिस एंटीबॉडी इज देन इंट्रोड्यूस इंटू होस्ट सेल ऑफन बैक्टीरियम और मेमेलियन सेल थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच इन्वॉल्व मैनिपुलेशन डीएनए मटेरियल आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच आर एक्सट्रैक्टेड प्यूरिफाइड एंड फॉर यूज एज डिजायर्ड। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ वायरस दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर पब्लिश ऑन अक्टूबर 2020 द M102.4 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाइंड इटसेल्फ टू इमोनोडोमिनेंट रिसेप्टर बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द निपा वायरस पोटेंशियली न्यूट्रलाइजिंग इट। तो देखो निपा वायरस के जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सार कोवी टू था यहाँ पे इसका निपा वायरस का क्या है ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है उसके साथ यहाँ पे ये अटैच होता है। फेज वन क्लिनिकल ट्रायल द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल क्लिनिकल सेफ्टी ट्रायल कंडक्टेड विद 40 वॉलंटियर बिटवीन मार्च 2015 एंड जून 2016 फॉर मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी इतना वर पब्लिश्ड इन 2020 लेड बाय जॉफ्री प्लेफोर्ड ऑफ प्रिंस अलेक्जेंड्रिया हॉस्पिटल इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इट वॉज द फर्स्ट इन ह्यूमन रैंडमनाइज्ड कंट्रोल फेज वन स्टडी ऑफ द सेफ्टी टॉलरेबिलिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ M102.4। द स्टडी वॉज डबल ब्लाइंड विच मीन नीदर द पार्टिसिपेंट नॉर द रिसर्चर न्यू हु रिसीव द एंटीबॉडी एंड हु रिसीव द प्लेसिबो। द रिसर्चर क्रिएटेड 8 cohort ऑफ 5 participants ईच इन Each cohort, 6 people were randomly administered in M102.4 of the varying doses while the remaining 2 received the placebo. The most common participant in the combinant group and 3 from the pooled placebo group. No deaths or severe effects which could have caused to study discontinued were noted. Aisa koi severe death wagaira nahi hua yahan par. The result of the trial showed that single and repeated dose of the M102.4 were well tolerated and safe and invoked the adverse response from immune system of participants. The monoclonal antibodies for Dr. Clifford clinic trial were manufactured in Australian Institute of Bioengineering and Nanotechnology at the University of Queensland. Okay. Regulatory status. In his press conference, ICMR chief Dr. Bell mentioned that no opportunity presented itself to take research forward after the first phase of trial. According to the Queensland Health Department, the antibody has been available in Queensland since 2010 to treat Hendra virus infection has been shared by USU and the Henry M. Jackson Foundation of the Advancement of Military Medicine. As of 2020, it has been administered to 13 people to compensate grounds of the Queensland. Hendra virus is on the World Health Organization list of priority disease requiring urgent attention for research and development of therapeutics as a Nipah virus. Both Hydra and Nipah virus are backbone paramoxyviridae and family of viruses that contain single strand of RNA and negative sense genome similar to one that causes disease like measles, influenza, etc. and replicate within infected cells. तो देखते हैं इस आर्टिकल में हम समरी देख लें एक बार हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जस्ट अ सेकंड।
सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आपका ये क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, और उसके साथ M102.4, हाउ इट वर्क, हमने देखा उसके प्रोटीन में ये जाके बैठ जाता है, जैसे कोरोना वायरस का आप देखिए ऐसा था, कोरोना वायरस का प्रोटीन था, आप देखिए कोरोना वायरस के प्रोटीन में जाके ये सेट हो जाता था सार कोवी टू में, ठीक है, और इसका क्या है निपा का क्या है लाइकोप्रोटीन है। तो इसका हमने M10 ये देख लिया, क्लिनिकल फेज हो चुका है वन, ठीक है, ये देख लिया हमने, और यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देख लिया, ये क्या करते हैं कैसे करते हैं ये देख लिया, और आपने देखा अभी इसका क्या यूज़ है, कंपैशनेट यूज़ बेसिस पे ही हो रहा है, जब मतलब कोई ऑप्शन ना बचे पेशेंट को देने का और पेशेंट के ऊपर अभी ट्रायल करने का ऑप्शन ना बचे तो उसको दे के इससे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे लिए इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है इस आर्टिकल में, और जो भी बायोलॉजिकल टर्म्स थे वो आप साइंस एंड टेक में तो RNA DNA बेसिक चीज़ें प्रोटीन आप पढ़ेंगे ही, और बस एंटीजन वगैरह ये तो बेसिक साइंस एंड टेक के टर्म्स है एंटीबॉडीज, फिर भी ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।